हेलो एवरीवन वेलकम टू बिवन्यू आई आई एम सार्थक सीनियर फैकल्टी बीवन्यू आई सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एम रिलेटेड टू पॉलिटी और उन्हीं एम के थ्रू हम उन टॉपिक्स को समझने भी वाले हैं राइट दिस इज इफ यू आस्क मी इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक राइट वेर यू अटैम्प्ट एम सी क्यू एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द थ्योरी बिहाइंड इट राइट और नॉट ओनली जस्ट पॉलिटी अभिमन्यू आई एस आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं अपने अपकमिंग एग्जाम और पंजाब पी सी एस उससे रिलेवेंट जितने भी टॉपिक्स हैं वी कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑल वी वॉन्ट इन रिटर्न इज जस्ट यू टू कीप फॉलोइंग अभी पीडिया और अभिमन्यू आई एस राइट अभिमन्यू आई एस को आप फॉलो करते रहिए आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सब कुछ कवर होता चला जाएगा राइट जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये वाले जो इनिशिएटिव्स हैं हम आपके लिए लेके आते हैं हमारा बस एक इतना ही इन रिटर्न वी वांट कीजिए जस्ट कीप फॉलो अभी मन न्यू राइट सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट लेट्स स्टार्ट आवर टूडेज अच्छा बिफोर स्टार्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रोटोकॉल बता दू वीडियो का कि आपको कैसे प्रोसीड करना है इस वीडियो के अंदर आपको जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पोर्ट्रे होगा राइट आपको वीडियो को पॉज करना है उसके बाद खुद अटेम्प्ट करना है और फिर दोबारा क्या करेंगे आप प्ले करेंगे वीडियो को यू विल चेक कि वेदर द आंसर डि दैट यू ऑप्टेड फॉर वॉज करेक्ट और इनकरेक्ट आपने जो ऑप्शन चूज़ किया था वो करेक्ट है या इनकरेक्ट इफ़ इट वॉज करेक्ट वेल एंड गुड इफ इट वॉज़ इनकरेक्ट आप वहीं के वहीं पर अगर आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट निकल रहा है तो वहीं के वहीं पे उसको रेक्टिफाई करेंगे यू विल चेक कि आपने क्या मिस्टेक करी क्या आपने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं करी क्या कंसेपचुअल कंसेप्चुअली मिस्टेक है राइट right? जो भी आपकी मिस्टेक निकल के आ रही है बिकॉज इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपने जो गलती अभी करी उसको वहीं के वहीं रेक्टिफाई कर लिया तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा बिकॉज अपनी गलतियों से हम सबसे बेस्ट वे में सीखते हैं राइट दैट इज द फिलोसफी बिहाइंड दिस काइंड ऑफ वे टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन राइट सो आई माई सीर एडवाइस टू यू इज इसी वे में इस वीडियो को प्रोसीड करें इसी वे में आप सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें आज के राइट सो लेट विद विद दिस नॉलेज लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट स्टेटा पहले क्वेश्चन पे आते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिम्बली मैं चाहता हूँ दफ़ द लेजिस्टिव असेंबली इफ हीस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली ओके सेकेंड स्टेटमेंट वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिजॉल्व द स्पीकर शेल वेकेट हिज और हर मेंबरशिप इमिजिएटली यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है आप समझ सकते हैं मेम्बरशिप ऑल राइट ट वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू या फिर नीदर वन नॉर टू ओके रिमाइंड करा रहा हूँ वीडियो को पॉज करें अटेम्प्ट करें राइट right? एंड देन प्ले करें और चेक करे कि करें कि आप करेक्ट हैं या इन करेक्ट ओके बट माइंड इट आई विल कंटिन्यू आई विल नॉट स्टॉप ओके ओके सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है द स्पीकर असेंबली शेल वेकेट हिज आर आर ऑफिस या member of assembly अगर उस स्टेट के अंदर है तो so, अगर जो speaker की जो मेंबरशिप है वो उस में क्या हो जाए डिस्कवालीफाई हो जाए राइट किसी भी रीजन से तो क्या वो स्पीकर रहेगा नो तो इसका ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन करेक्ट राइट अगर वो मेंबरशिप से उनको डिस्कवालीफाई कर दिया जाएगा तो वो स्पीकर नहीं रहेंगे और राइट नेक्स्ट लेटिव असेंबली इज डिजोल्ड द स्पीकर शेल वेकेट हिजर ऑफिस इमिडिएटली नो दिस इज ऑल्सो इन करेक्ट बिकॉज जैसी अगर डिजॉल्ड होती है जो स्पीकर है वो कंटिन्यू रहता है टिल द नेक्स्ट स्पीकर मतलब जब तक नेक्स्ट स्पीकर नहीं बनता प्रोटेन स्पीकर आएगा फिर फ्रेस स्पीकर आएगा एटलीस्ट जब तक प्रोटन स्पीकर नहीं आता जो जो करेंट स्पीकर है वही कंटिन्यू करता है राइट सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल भी ऑप्शन डी नीदर वन और टू राइट कि ओह यस 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 देर इज अ मिस्टेक बिकॉज बोला ठीक है मार्क गलत हो गया द स्पीकर ऑफ द असेंबली शेल वैकेट हिज और ऑफिस इफ यस दिस इज करेक्ट बाय द वे बोला ठीक था बस गलती से अब मैंने करेक्ट कर दिया सी दिस काइंड ऑफ मिस्टेक दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू ऐसी मिस्टेक आप ना करना यहीं पर होगी राइट सो आपको यहाँ से एक चीज देखने को मिलेगी मैंने बताया ना आपको कि अगर मेंबरशिप चली जाएगी तो ऑफिस तो डेफिनेटली वैकेट करना ही पड़ेगा मेंबरशिप गई तो स्पीकर नहीं रहेगा तो दिस वॉज करेक्ट बाय द वे गलती से आप इनकरेक्ट लिख दिया था बोला ठीक था ओके okay. सेकेंड इसका तो आंसर इसका डी नहीं होगा आंसर होगा इसका ए राइट right? अगर आपने ए मार्क करा तो वेल एंड गुड राइट डोंट वरी अबाउट इट आई होप जरूर समझ में आया होगा क्या बता रहे थे यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर आपको अभी मिस्टेक है तो अभी भी कोई डाउट है तो आई I मीन mean, कि जो स्पीकर है जैसे ही वो अपनी उनकी मेंबरशिप क्या होती है डिस्क्वालीफाई होते हैं पार्लियामेंट या असेंबली की जो मेंबरशिप से डिसक्वालीफाई हो जाएंगे तो वो स्पीकर नहीं रहेंगे ही हैज़ टू वैकेट हिज ऑफिस बिकॉज द स्पीकर हैज़ टू फर्स्ट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर ऑफ द असेंबली टू बिकम अ स्पीकर अगर वो मेंबर ही नहीं है तो स्पीकर कैसे हो सकते हैं दैट इज़ अ रीज़न कि जैसे ही उनकी मेंबरशिप चली जाएगी उनको अपनी स्पीकर वाली जो ऑफिस है उसको भी वैकेट करना पड़ेगा खाली करना पड़ेगा क्लियर है आई होप अफसर समझ में आया होगा अगर कोई भी डाउट है तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली यू कैन आस्कस फ्रीली डोंट यू वरी अबाउट इट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ है यहाँ पर ऑनली ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फाइव रेजुल पॉर्स फॉर गिवन टू द गवर्मेंट ऑफ इंडिया फाइव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाई द वे फॉर यूर एग्जाम राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव इनफैक्ट सारे के सारे जो एक्ट्स है रेगुलेटिंग एक्ट एंड ऑल जो इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है नाइनटीन थर्टी फाइव तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मैक्सिमम फीचर्स जो है हमने इसी एक्ट से बोरो कर रखे हैं यहीं से डिराइव्ड है एस इटि इनफैक्ट हमारा जो बाई कैमरल नेचर है राइट बाय कैमरल नेचर हो गया फेडरलिस्ट जो हमारा नेचर है फेडरलिज्म की तरफ है तो सब कुछ यहीं से हमने बोरो किया हुआ है ठीक है ओके सो अब पूछा गया भाई यहाँ पर कि जब नाइनटीन थर्टी फाइव के जो एक्ट है उसके अंदर जो रेजुलरी पावर्स थी राइट रेजुलरी पावर्स बेसिकली क्या थी अभी बताते हैं पहले अगर ऑप्शन देखते हैं टू द फेडरल लेजिस्लेचर गवर्नर जनरल प्रोविंशियल या थर्टी okay. so, okay. 1935 के अंदर बेसिकली क्या था आपके तीन लिस्ट आई थी तीन लिस्ट आई थी आपकी एक फेडरल लिस्ट राइट एक लिस्ट आपकी एक फेडरलिस्ट राइट फेडरलिस्ट थी आपकी सेंट्रल लेवल पे आपकी स्टेट लेवल पे एंड दिस वॉज फॉर बोथ इसमें दोनों के कंबाइंड थे राइट ये तीन लिस्ट आई थी ओके okay. उसके बाद ये एक प्रोविजन था इंपॉर्टेंट ठीक है ऑल इंडिया फेडरेशन जो हमारी बनी ऑल इंडिया यूनियन बनाने की ट्राई करी गई थी इसके बाद देर वॉज डायरकी एट सेंटर राइट डायरकी एट सेंटर वॉज ट्राइंग बींग इंट्रोड्यूस्ड ओके तो, okay. तो एट सेंटर मतलब ये जो फेडरलिस्ट थी ना इस फेडरलिस्ट के अंदर फर्दर दो सब्जेक्ट्स डिवाइडेड थे। वन ट्रांसफर्ड, अदर राइट ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व रिजर्व वो वाले थे जिसपे खाली जो गवर्नर जनरल था डायरेक्टली वो उसके ऊपर लॉ बना सकते थे राइट right? जो गवर्नर जनरल थे या वायसरे भी कह सकते हैं आप वो डायरेक्टली इस पर क्या बना सकते थे लॉ बना सकते थे ट्रांसफर्ड के ऊपर जो गायसराय था उसको अपनी जो मिनिस्ट्री थी राइट उस पर रिस्पॉन्सिबल वो थे मतलब ही वॉज रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल इन दोज ट्रांसफर सब्जेक्ट्स उनको जवाब दे देनी पड़ेगी आगे लोगों को कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी आती है ये ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के अंदर था अब इनके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स बच गए जिनको क्या बोलेंगे रेजिडरी रेजिडरी सब्जेक्ट्स

क्लियर है उसके बाद बच गया आपके डायरेक्ट सेंटर में क्या लेके आए हुआ डाय की और डायर के अंदर क्या मतलब था कि जो फेडरल लिस्ट है आपकी उसको फर्दर दो में बांट रखा है ट्रांसफर और रिजर्व राइट और हमारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे रेजिडरी के बारे में तो करेक्ट आंसर क्या होगा उसका राइट द रेजुडरी पावर्स वर गिवन टू राइट द तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गवर्नर जनरल आज की डेट में है थोड़ा डिफरेंट प्रोविजन है अगर हम आज की डेट में बात करें तो रेजिडरी सब्जेक्ट जो है अपने राइट जो रेजिडरी सब्जेक्ट्स है उस पर कौन बनाएगा लॉ उसपे बनाती है पार्लियामेंट राइट प्रेजेंटली पार्लियामेंट बनाती है क्लियर है बट 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग कौन था गवर्नर जनरल एज सिंपल एज दैट एंड आई होप जरूर आपको समझ में आया होगा ये ओके नेक्स्ट राइट टू प्राइवेसी नेक्स्ट क्वेश्चन लिबर्टी ओके विच फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रियटली द अब स्टेटमेंट ऑल राइट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार फ्रिक्वेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है ये एंड इट कुड बी डेफिनेटली आस इन एज वेल बिकॉज दिस हैज दिस इज बेसिकली वॉट दिस इज़ अ यू पी एस सी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यू पी एस सी का और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है बिकॉज अगर आप पैर्न को एनालाइज करें इफ़ यू एनालाइज द पैटर्न सो यू विल गेट टू नो कि पंजाब पीसीएस इनफैक्ट मोस्टली ऑल द पीसीस एग्जाम बट वी आर कंसर्न विद पंजाब पीसेस ओनली सो दे आर गेटिंग अलाइंड टूअर्ड्स यू पी एस सी पैटर्न तो जितना ज़्यादा आप यू पी एस सी पैटर्न को अडॉप्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छी बात है अगर आप लास्ट ऐर देखेंगे तो एनालिटिकल पेपर बहुत था राइट right? वो यूपीएससी का ट्रेंड है कि वो एनालिटिकल पूछते हैं इनफैक्ट एक क्वेश्चन आपको एज इट इज़ रिपीट हुआ भी दिखेगा यूपीएससी के अंदर यूपीएससी से उठा के जो पंजाब पीजन पूछा हुआ था तो आपके लिए यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इक्वली रेलिवेंट है इनफैक्ट बहुत ज़्यादा रेलिवेंट आई वुड से एक तो सीखने को भी मिलता है काफ़ी कुछ ऊपर से आपके एग्जाम के अंदर भी डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं राइट right? तो बिल्कुल भी मिस करने की जरूरत नहीं है सब कुछ कवर करके जाना है कुछ भी मिस आउट नहीं करना अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जानी है तभी बात बनेगी तभी एग्जाम आप क्लियर करने करने मतलब तो बहुत ही इफेक्टिवली अच्छे से एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम के अंदर एंटर भी करेंगे और एग्जाम क्लियर करने की रॉयल्टी भी डेफिनेटली आपकी बढ़ेगी करोगे तो कर ही जाओगे इनफैक्ट ओके ऑप्शन ए आर्टिकल फोर्टीन एंड द प्रोविजन अंडर द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओके आर्टिकल सेवनटीन एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन पार्ट फोर ओके आर्टिकल ट्वेंटी वन एंड द फ्रीडम गड अंडर पार्ट थ्री ओके आर्टिकल ट्वेंटी फोर एंड द प्रोविजन अंडर द फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका राइट टू प्राइवेसी बेसिकली आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंदर पुट्टू स्वामी जजमेंट के अंदर भी बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज बेसिकली पार्ट ऑफ योर आर्टिकल ट्वेंटी वन इट इज़ अ फंडामेंटल राइट सो नो बडी कैन ब्रीच योर प्राइवेसी कुछ थोड़ी मोटी एक्सेप्शन जरूर है बट जनरली नो बडी कैन ब्रीच इन टू योर प्राइवेसी बिकॉज राइट टू प्राइवेसी इज योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन विच इज राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी एंड इट इज इन पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है चलो छोटी सीज रिवाइज कर ली जाएगा फटाफट क्वेश्चन के थ्रू जितने ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना अच्छा है सी पार्ट थ्री के अंदर आपके क्या है फंडामेंटल राइट right. पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद वॉट फंडामेंटल राइट आर्टिकल ट्वेल्व टू थर्टी फाइव ये पार्ट थ्री के अंदर है तो पार्ट थ्री के बाद जो भी हो गया वो फंडामेंटल राइट होगा नो वो फंडामेंटल राइट नहीं होगा फंडामेंटल राइट हैज़ टू बी नॉट पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली एट प्रेजेंट आर्टिकल ट्वेल्व टू थर्टी फाइव आर देयर ऑल दीज आर वॉट फंडामेंटल राइट्स जो हम फोर्टीन से थर्टी टू पढ़ते हैं ना सिर्फ ये फंडामेंटल राइट right नहीं है बारह से लेकर पैंतीस तक सारे के सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं येस और नो वो छः टाइपी क्लासीफिकेशन कर रखी है फोर्टीन टू थर्टी टू ठीक है बट इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है इतना आपसे कोई नहीं पूछ इतना पता हो तब भी इनफ है और राइट ओके और इसी पार्ट थ्री के अंदर आपका जो आर्टिकल ट्वेंटी वन है विच इज पार्ट ऑफ वॉट राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम जो क्लासिफिकेशन है उसका पार्ट है ना राइट right? राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक है तो आर्टिकल 21 जो है आपका वो क्या है तो राइट टू तो फ्रीडम का पार्ट है बेसिकली इस आर्टिकल का नाम क्या है राइट टू राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी दिस इज योर आर्टिकल 21 क्लियर है होप समझ में आया होगा और राइट टू प्राइवेसी भी इसी का पार्ट है राइट टू प्राइवेसी भी इसी का पार्ट है ओके okay. डन है ओके वेरी गुड चलो नेक्स्ट सी आंसर इज सी नाउ लेट्स मोवन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओके द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस इन द नाइन्थ शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिड बाई एनी कोर्ट एंड जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट ओके नाइन्थ शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन है भाई देच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन अब इज और आर करेक्ट वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू या डी नाइ दर वन और टू ओके वीडियो को दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं पॉज करना, करना खुद एक बार, right? के बारे में है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस पर्टिकुलर लॉ इन दाइन शेड्यूल इंडिया बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है अगर नहीं भी पता ना तब भी आप इसको कर सकते हैं कि क्या किसी शेड्यूल के अंदर किसी लॉ को डाला जा सकता होगा ये डेफिनेटली दे कैन बट उसकी इंप्लीकेशन वगैरह डिफरेंट होंगी उस पर कुछ ना कुछ होगा बट लॉ को इंसर्ट जरूर करा जा सकता है सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट यस डेफिनेटली नाइन शेड्यूल के अंदर किसी भी लॉ को पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस तो कर ही सकती है इंसर्ट कर सकती है ओके द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेज इन द नाइन्थ शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट ओके ये क्या कह रहा है आपसे ये बेसिकली इनडायरेक्टली आपसे कह रहा है कि नाइन्थ शेड्यूल के अंदर 9 शेड्यूल के ऊपर ज्यूडिशियल रिव्यू पॉसिबल है क्या नहीं ये बेसिकली ये स्टेटमेंट तो कह रही है कि ज्यूडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है दिस इज व्हाट द सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग राइट अब इसके लिए इसके लिए पहले थोड़ा सा 9 शेड्यूल के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज 9 शेड्यूल राइट 9 शेड्यूल किस सेडया का नाम है सी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना इनिशियली इनिशियली देर ओनली एट द टाइम एट शेड्यूल ओनली अभी कितने थे आठ ठीक है तो चार शेड्यूल और अमेंडमेंट के थ्रू एड किए गए पहली अमेंडमेंट के थ्रू ही विदरी फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनसर्टेड दिस नाइन शेड्यूल एड कर दिया गया था यहां पर राइट एक शेड्यूल एक्स्ट्रा एड कर दिया गया था क्यों कर दिया गया था क्या जरूरत पड़ी थी क्या करा था उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स राइट गवर्नमेंट को लेके आने थे क्या लैंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट को लेके आने थे लैंड रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स के लिए सबसे पहले क्या आ रही थी चीज इनिशियली राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट इनिशियली ये भी एक फंडामेंटल राइट right था ठीक है अंडर आर्टिकल थर्टी वन आर्टिकल थर्टी वन इस पर डेडिकेटेड था तो जैसे ही गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स के चक्कर में लोगों से जो लैंड सीलिंग्स लगाते थे लैंड अपने अपने अंदर एक्वायर करने की ट्राई करते थे उसी टाइम राइट टू प्रॉपर्टी सामने आ जाता था लोगों का फंडामेंटल राइट के वे, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा है अब हमारी प्रॉपर्टी ऐसे नहीं छीन सकते तो गवर्नमेंट ने क्या करा गवर्नमेंट ने करा उन्होंने एक नया शेड्यूल इंसर्ट किया नाइन्थ शेड्यूल नाइन्थ शेड्यूल इंसर्ट किया और ये बोल दिया एक ये चीज़ पेमेंट कर दी कि नाइन्थ शेड्यूल के अंदर अगर हम कोई भी लॉ इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर जडिशियल रिव्यू उसके ऊपर जडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है मतलब कुछ नहीं कर सकते अगर उन्होंने उसमें डाल दिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते कोई फंडामेंटल राइट right नहीं कुछ नहीं ये नाइन शेड्यूल इनिशियली इसलिए बनाया गया था तो लैंड रिफॉर्म एक्ट जो थी उन्होंने वो लैंड रिफॉर्म एक्ट नाइन शेड्यूल के अंदर इंसर्ट कर दी थी को करने के में, जब भी कोई अगर आपको फंडामेंटल तो शेड्यूल को एड किया गया था बट लेटर ऑन आफ्टर केशव नंदा भारती केस लेटर ऑन आफ्टर केशव नंदा भारती केस जुडिशरी ने बोल दिया कि भैया नाइन शेड्यूल भी जुडिशियल रिव्यू के बाहर नहीं है राइट right? जुडिशियल रिव्यू इस पर भी पॉसिबल है तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो 1976 मतलब 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1976 के बाद के जो भी केसेस जो भी चीज़ें आपने इसमें इंसर्ट करी होंगी उस पर जडिशियल रिव्यू पॉसिबल होगा उससे पहले वाली ही ना हो क्योंकि केशवानंदा भारती केस की डेट ही ये थी आई बात समझ में बाकी डोंट वरी नाइन्थ शेड्यूल के ऊपर अलग से भी एक वीडियो लेके आऊँगा मैं फिर जहाँ पर एक ब्रीफली थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको कि क्या आर्टिकल थर्टी वन ए थर्टी वन बर्टी वन सी और नाइन शड्यूल सब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर करेंगे वहाँ पर बट आई होप अभी ज़रूर आपको समझ में आया होगा बेसिक बेसिक आइडिया डेफिनेटली लग गया होगा कि नाइन्थ शेड्यूल क्या था क्या पर्पज था और अभी प्रेजेंटली कंडीशन क्या है नाइन्डूल क्या इस टाइम प्रेजेंट कंडीशन ये है कि नाइन्थ शेड्यूल पर डिडिशियली हुई डेफिनेटली पॉसिबल है अब उसमें वो बात नहीं है जब इनिशियली थी तो नाइन्थ शेड्यूल की बेसिकली वैल्यू ही खत्म हो चुकी है कोई वैल्यू है नहीं उसमें लॉ डाल के भी कोई फ़ायदा नहीं होता चाहे इंसर्ट करो चाहे ना करो तो पॉसिबल है ही उसके ऊपर जुडिशरी खारिज कर सकती है राइट तो इट्स लाइक अ ओनली टाइम ओके सो सी द क्वेश्चन नाउ स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं एक बार द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द नाइन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लॉ प्लेस इन द शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड इट नो सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज वन ओनली, राइट एंड आई होप आपको ये चीज जरूर समझ में आई होगी राइट सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लेट सी आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ओके द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेज ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शेल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ओके क्वेश्चन किस पे गवर्नर के बारे में बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है स्टेटमेंट गिवन अब इज और आर करेक्ट ऑप्शन ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ वन एंड टू या डी नीदर वन नॉट टू वीडियो को करें पॉज क्वेश्चन को करें अटैम्प्ट एंड देन प्ले ओके अब आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में क्वेश्चन लेट सी आंसर करने से पहले गवर्नर के बारे में गवर्नर और प्रेसिडेंट इन दोनों के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है कि इन दोनों को मिली हुई है इम्यूनिटी इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल फोर्टीन अंडर आर्टिकल फोर्टीन इनको इम्यूनिटी भी मिली हुई एक्सेप्शन भी कह सकते हैं आप एक्सेप्शन किस टाइप की कि जब ये अपने ऑफिस में बींग अ गवर्नर और प्रेसिडेंट राइट दोनों क्या है एग्जीक्यूटिव का पार्ट है लाइक ये यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव है राइट ओके इनको अपने ऑफिस में लाइक like प्रेसिडेंट को बींग अ प्रेसिडेंट और अभी गवर्नर को क्वेश्चन गवर्नर ही समझते हैं तो जब वो गवर्नर काम कर रहे हैं इनको बहुत सारे एक्शन्स और बहुत सारे डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं राइट right, बहुत सारे डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं जिसके अंदर इनके अगेंस्ट राइट क्रिमिनल केसेस फॉर्म डेफिनेटली हो सकते हैं बहुत सारे डिसीजन है लेते हैं बट क्या ये अपने पर्सनल उस पर लेते हैं नो no. पर्सनल नहीं है अ गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट एक डिसीजन लिया जा रहा होता है इनका कोई पर्सनल उसके अंदर नहीं होता दैट इज द रीजन कि ऐसे जितने भी एक्शन जितने भी स्टेप्स ये उठाते हैं ऐसे प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों इनके अगेंस्ट कोई भी ऐसा क्रिमिनल केस नहीं करा जा सकता लॉज नहीं कर सकता जब तक ये प्रेसिडेंट और गवर्नर है तो इनकी कोई सो अवट आई एम ट्राइंग टू टेल यू नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स राइट नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी लॉन्च अगेंस्ट द गवर्नर और प्रेसिडेंट ड्यूरिंग देयर टेंडर ऑफ देयर ऑफिस इनफैक्ट इन्होंने अपने जब टेंडर पूरा होने के बाद भी बट ड्यूरिंग द टेंडर जो भी स्टेप्स लिए होंगे जो भी एक्शन लिए होंगे ऐसा ऑब्वियसली बात है कि जब वो पांच साल के कार्यकाल के अंदर उन्होंने जो भी डिसीजन लिए हैं मान लो पाँच साल के जो उनका टेन्यवर पूरा हो गया उसके बाद कोई उनके ऊपर केस कर दे तो ये भी नहीं होना चाहिए ना दैट इज़ द रीज़न इससे भी इम्यूनिटी मिली हुई है उनको कि जब उनका टेन्यवर पूरा हो जाए उसके बाद भी कोई इनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस ना कर सके जो उनके लिए जो उनके उन्होंने बिंग अ गवर्नर या प्रेसिडेंट जो एक्शन लिए थे हाँ जब उनका टेनोअर पूरा हो गया उसके बाद जब वो नॉर्मल सिटीज़न ही है टेन्योर उनका मतलब गवर्नर प्रेसिडेंट नहीं उसके बाद अगर कोई एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं राइट आई होप ये डिफरेंस समझ में आया होगा आपको लॉजिक समझ जरूर समझ में आया होगा रटने की बजाय चीज़ों को लॉजिक समझो पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप लॉजिक से पढ़ेंगे हर एक जो इतने भी आर्टिकल्स हैं अगर उनके लॉजिक समझेंगे कि क्या कंसेप्ट है उनके पीछे क्यों ऐसा करा गया तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें चीज़ें याद भी रहेंगी आपको लॉन्ग टर्म के लिए वरना अभी शॉर्ट टर्म के लिए ही याद रहेंगी रटने बैठ जाओगे तो और राइट अच्छा ये तो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात अगर हम बात करें सिविल प्रोसीडिंग्स की राइट अगर हम बात करें सिविल केसेस की या सिविल प्रोसीडिंग्स की तो क्या वो फाइल किया जा सकता है यस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की मतलब सिविल प्रोसीडिंग्स तो आप कर सकते हैं सिविल केसेस भी फाइल किए जा सकते हैं इनके अगेंस्ट बट प्रोवाइडेड एक दो महीने का टू मंथ का एक एडवांस नोटिस जरूर देना पड़ेगा आपको टू मंथ एडवांस नोटिस इज रिक्वायर्ड दो महीने का पहले एडवांस में नोटिस दो उनको भैया आपके सिविल केसेस करने वाले हैं फाइल आप तभी कर पाओगे वरना नहीं राइट तो सिविल केसेस ओनली इन दैट केस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द गवर्नर एज वेल एज द प्रेसिडेंट दोनों के लिए है राइट right? तो मैंने आपको ये भी बता दिया क्वेश्चन में बोल दू सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात हो रखी है राइट right? तो लेट सी ओके नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शेल बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस येस दिस इज करेक्ट द इमोल्यूमेंट एंड द अलाउंसेज ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शेल नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट ये क्यों करा गया है कि भाई जब वो ऑफिस के अंदर हैं उसके बाद मान लो उनकी सैलरी वगैरह घटा दी जाए तो वो बहुत ही गलत हो जाएगा तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के लिए किया जाता है कि बंदा अनबायस्ड होकर काम करे डरे ना एग्जीक्यूटिव से अगर किसी को पावर है कि उनकी वो सैलरी वगैरह घटा सकते हैं तो डेफ़िनेटली वो उनको इन्फ्लुएंस भी कर सकते होंगे तो इसी वजह से ये जो इन्फ्लुएंस है अनबायसनेस है कि वो फ्रीली सिक्योर होकर काम कर सकें उसी के लिए प्रोविज़न चेंज ये वाले प्रोविज़न प्रोवाइड करे गए हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन B, C, both 1 and 2. Okay, let's see. The correct answer is option C, both 1 and 2. Okay, next question Which one of the following, right? Which one of the following reflects the nicest appropriate relationship between law and liberty? Very good question, right? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फ्रीकवेंटली पूछने लग गए और पंजाब पीसिस के अंदर भी बहुत आने लगे हैं इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आने चाहिए इसके लिए वॉट यू कैन डू अगर मैं आपको एक बुक रेफर करूँ कि आपको इस टाइप के कंसेप्चुअल लिबर्टी फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज लॉ इसके लिए एक बुक आती है क्लास इलेवंथ की राइट पॉलिटिकल थ्योरी की एक बुक है एन टी है अपनी पॉलिटिकल थ्योरी को रीड इट आउट उसको अच्छे से कवर कर ले राइट पॉलिटिकल थ्योरी को अच्छे से कवर कर लें इस टाइप के कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे राइट right? नहीं तो अभी मन्यू आई इज़ देयर फॉर यू हम तो ऐसी वीडियो तो आपके लेके आते रहेंगे ऐसे कंसेप्चुअल क्लेरिटी भी आपके लिए करते रहेंगे सो इफ़ यू वॉन्ट दैट यू कैन डेफिनेटली फॉलो अभी मनी वाई एस तो आपके सारे के सारे जो कंसेप्ट एंड ऑल सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा ठीक है जैसे आपके सामने लेके आया हूँ सो so, जोन सा भी आपको मेथड अच्छा लगता है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर मैंने आपके रेफरेंस बुक भी बता दी है और एक और इफेक्टिव वे भी बताया आपको जो भी आपको सही लगे आपके लिए अप्रोप्रिएट लगे गो फॉर इट राइट ओके ओके ऑप्शन है आपका फर्स्ट इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी ओके इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी ओके इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल ओके इफ लॉज आर चेंज टू ऑफ लिबर्टीज इन डेंजर ऑल राइट सो लेट सी क्या आंसर होगा इसका सी लॉज एंड लिबर्टी लॉज एंड लिबर्टी दे आर बेसिकली वॉट दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर देर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इनका कैसे कि मान लो आपको लिबर्टी लिबर्टी को फ्रीडम से समझ सकते हैं आप कि आपको हमने सिर्फ लिबर्टी दे दी अभी बट कोई लॉ ही नहीं है तो क्या आप अपनी लिबर्टी एंजॉय कर पाएंगे तो माई आंसर विल बी नो वाई बिकॉज़ आप लिबर्टी में तभी इंजॉय कर पाएंगे जब सामने वाला ये जर इस चीज़ को समझे कि देरा वो अपने कायदे में रहे अपने दायरे में रहे अपनी लिबर्टी को इन्जॉय करने के दायरे में रहे वो आपकी लिबर्टी के बीच में ना आए वो आपकी फ्रीडम को इन्फ्रिंज ना करे वो कुछ नियम और कुछ कायदे कानून को फॉलो करे तभी जो होगा एक एक प्रॉपर एक सोसाइटी बन पाएगी एक प्रॉपर आपकी लॉज मतलब लिबर्टी को एंजॉय करने की सोसाइटी बन पाएगी राइट एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आप लॉस को फॉलो करेंगे नियम कायदे कानून को फॉलो करेंगे, करेंगे।, कर करेंगे तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी की लिबर्टी को इन्फ्लू करेंगे ही करेंगे ठीक है तो लॉज एंड लिबर्टीज आर रिलेटेड इन दैट मैनर कि इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी राइट तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी राइट सो तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बाकी सारे इनफैक्ट आप ऑप्शन में पढ़ेंगे ना आप तब भी आपको रिड्यूस कर लेते हैं कि ऑप्शन बी होगा इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आपको ऑप्शन बी ही लगता है इसके अंदर राइट सो विद दिस वी हैव रीच द एंड ऑफ आवर वीडियो बट बिफोर एंडिंग आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वी हमारा एक ऑलरेडी एक पंजाब पीसीएस का बैच स्टार्ट हो चुका है इट इज़ ऑलरेडी रनिंग इन प्रोसेस and if you want to join this batch, if you want to join this course for and if you want to prepare for Punjab PCS exam in a very comprehensive manner, you can also definitely join that group. You can definitely join that course. Right? उसके लिए आप नीचे support number provided है, उसपे call करके पूछ सकते हैं. आपको registration link भी मिल जाएगा. जिसपे click करके आप course को subscribe भी कर सकते हैं. Online and offline mode दोनों के अंदर available है. Right?